बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नल सेफ्टी जिला पहुँच, जैसा कि मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से हर जगह ये आवाज़ हम उठाते रहे और जितनी हुकूमतें रियासत जम्मू कश्मीर में रही हैं साबिका उन तक भी पहुँचे हैं और मौजूदा हुकूमत एल जी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई उलमाए किराम की सुबह जम्मू के, उसमें ये बात बार बार दोहराई गई है। और आज हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के अंदर एक मेमोरेंडम लेकर के आए जिसमें मदरसा बोर्ड की डिमांड की गई है और ये बात वाजे करें कि मदरसा बोर्ड क्यों बनना चाहिए। इसलिए कि मदारिस के अंदर अक्सर तलबा जो हैं वो माली एतबार से बहुत कमज़ोर होते हैं और उन बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल करने के मौके ज़राए नहीं। दूसरी बात ये कि जो हमारे मदारिस के अंदर तलबा पढ़ जाते हैं काबिल तरीन बन कर के सामने आते हैं, उनकी उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। हुकूमत के जितने इदारे हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ बच्चे जाना चाहते हैं, उनको वो रास्ते नहीं मिलते हैं। तो हमने ये मुतालबा इसलिए किया है कि ताकि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मदारिस के अंदर उनका फ्यूचर बेहतर हो, वो भी जो है मुल्क के मेन स्ट्रीम के अंदर जो है दाखिल होकर के वो भी अच्छा काम कर सकें। इसलिए कि मदारिस के अंदर बहुत अच्छे बच्चे, लायक बच्चे होते हैं, जहन बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी उस डिग्री की जब हुकूमती सतह पर कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो बेचारे अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से ये तो बात होती रहती है, अवामी तावन पर ये मदरसे चलते हैं। इसमें हमने ये भी गुजारिश की है कि जो अफराद मदारिस से वाबस्ता हैं अगर कोई अपना मदरसा इस बोर्ड के साथ में मुंसलिक नहीं करना चाहता है उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि हमारी ख्वाहिश है, डिमांड है कि फ्यूचर के अंदर जो बच्चे मदारिस के अंदर आएँ उनका मुस्तकबिल बड़ा बेहतर रहे और उनकी तालीम भी आला हो और उस तालीम की जो है सनद की जो है वैल्यू भी जो है हुकूमती इदारों के साथ में हो, यही हमारा मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत के अरकान हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुलमजीद साहब की सरबराही में मौ मुदस्सिर क़ादरी साहब, मौ तस्वीर साहब, हाफिज़ खलील साहब और क़ारी महमूद साहब और मौलाना सैयद आफ्ताब साहब और क़ारी फरीद साहब, हम सब लोग यहाँ पे आए थे डीएम ऑफिस में पुंछ और यहाँ हमने अपना मेमोरेंडम पेश किया कि मदरसा बोर्ड की जल्द अज जल्द मदरसा बोर्ड को तश्कील दिया जाए। और खैर हमने वो यादाश्त पेश कर दी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद कामिल वासिक है कि जल्द अज जल्द हम सब लोग अपने मकसद के अंदर कामयाब हों।